बात गुजरात विधानसभा चुनाव की करेंगे जो कि नजदीक हैं और ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी यहां के इलाकों में पहुंचकर किसानों की हालत जानने की कोशिश कर रहा है। गुजरात का मांगरोल इलाका मूंगफली की फसल के लिए काफी मशहूर है, लेकिन यहां के किसानों की क्या समस्या है ये जानने की कोशिश की न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने। गुजरात पहुंचा है न्यूज वर्ल्ड इंडिया और कोशिश कर रहा है हर उस जगह पर जाने की जिसका सरोकार है आने वाली सरकार से। वैसे गुजरात की बात होती है तो विकास की बात होती है, बड़े बड़े कारखानों की बात होती है, बड़े बड़े उद्योगों की बात होती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी बात होती है गुजरात में, लेकिन उन तमाम चीजों के अलावा हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर जाना हमारी जिम्मेदारी भी है। गुजरात में किसान भी रहता है, उद्योग है, पैसे वाले लोग बहुत है यहां पर, लेकिन यहां पर किसान भी रहता है। गुजरात में खेती भी होती है। आखिर किस हालात में है गुजरात के किसान, आखिर कैसी चल रही है गुजरात में खेती, क्या खेती यहां पर दूसरे उद्योग धंधों की तरह फल फूल रही है या फिर किसान यहां पर परेशान है, इन तमाम चीजों की तहकीकात करने के लिए, पड़ताल करने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंचा है गुजरात के मांगरोल रीजन में। मांगरोल वो इलाका है जहां पर काफी तादाद में, ये जो आप पीछे एक पैदावार देख रहे हैं, फसल देख रहे हैं, काफी तादाद में बोलते बोलते मैं रुक गया था, आपको दिखाता हूं काफी तादाद में यहां क्या होता है। ये मूंगफली की फसल है, कटी हुई फसल है, और ये मेरे हाथ में आप मूंगफली देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी मूंगफली, बहुत अच्छी क्वालिटी की मूंगफली यहां पर होती है। इस फसल से मैंने ये दाने निकाले हैं। ये मांगरोल इलाके में मूंगफली की कटी हुई फसल है और इसको सींगदाना भी कहते हैं, बहुत मशहूर है ये, बड़ा फेमस है ये। थोड़ा नमक और थोड़ा जीरा लग जाए तो 100 रुपए का इसका पैकेट आता है। ये होता है गुजरात के खेतों में। गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जहां के किसान पूरी तरह से डिपेंड हैं मूंगफली की खेती पर, खाते भी हैं इसको और इसके बारे में बात भी करते हैं। ये बच्चा भी यहां पर खा रहा है। कई सारे किसान न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जैसे भी आपसे हिंदी बन पाए आप कोशिश करिएगा हिंदी में जवाब दीजिएगा। ये खेती आप यहाँ पर कर रहे हैं, लंबे वक्त से कर रहे होंगे, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ कमी यहाँ पर है? अभी तक ठीक चल रहा है। अभी यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, ज्यादातर पानी का प्रॉब्लम है। समुद्री पानी बहुत है, खारा पानी रहता है, और जो यहाँ पे सरकार बना रही है कैनाल वो भी अटकी हुई है, वो भी बन नहीं पा रहा है। अभी काम उसका भी कम है, लगभग 1500 मीटर से ज्यादा होगा, 1.5 किलोमीटर से ऊपर बाकी है, तो अभी ये वो पूरा नहीं हुआ है। अभी वो भी कई साल से बाकी है, लगभग 4 साल हो गया होगा, अभी भी काम कोई आगे नहीं चला, पर वहीं पे वहीं पड़ा है। तो फिर पानी की आपूर्ति कैसे हो पाती, पानी कहाँ से आता है यहाँ पर? क्या बरसात के पानी पर डिपेंड हो आप कि कोई और जरिया भी है पानी का? नहीं, पीने का पानी भी बाहर से लाना पड़ता है, और बारिश का पानी है वो यहाँ पे सब जगह वाड़ी पे लगा रखता है, वो टैंक में भर के रखते हैं, वो साल भर पीते हैं, बाकी वो पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल पीने का पानी नहीं मिलता। तो आपके पीने का पानी नहीं है, तो फसल को मूंगफली को कहाँ का पानी पिलाएंगे आप? बारिश होगा तो होगा, बाकी तो खारा पानी मिलता है यहाँ पे, समुद्री पानी वो डालते हैं, मूंगफली पूरा खत्म हो जाता है। अगर बारिश सही हुआ तो फसल ठीक रहता है, बाकी तो इतना नहीं होता है फसल भी। इस बार बारिश इतना सही हुआ कि आपकी फसल तो सही हो गई, लेकिन बहुत से लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया, पता है आपको? यहाँ पे तो इतना नहीं है, बाहर दूसरे राज्यों में है, यहाँ पे इतना बारिश नहीं है कि कोई नुकसान हो। यहाँ तो इस बार तो थोड़ा कम ही रहा है, ज्यादा बारिश हुआ नहीं है, उस इलाके में हुआ होगा, यहाँ पे नहीं है ज्यादा। जी, सुना आपने, ये गुजरात के किसान हैं। पीछे दूसरे खेत में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गट्ठे यहाँ पर पड़े हुए हैं मूंगफली के गट्ठे हैं, और हैरत की बात है, हैरानी की बात है कि यहाँ पर अच्छी फसल के लिए अभी भी किसान को देखना पड़ता है आसमान की तरफ। यानी कि इस फसल के लिए किसान हर साल आसमान देखता है, आसमान की ओर देखकर इसे भगवान के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कि भगवान बरसात कर दो, पानी गिरा दो,
बहुत विकसित राज्यों में से एक राज्य है गुजरात, लेकिन यहाँ के किसान को खेती के लिए पानी जो है उस पर उसके लिए निर्भर होना पड़ता है ऊपर वाले पर, इंद्र देवता पर। यदि बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है, और यदि बारिश अच्छी नहीं होती है तो फसल का भी नुकसान होता है। और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस साल तो अच्छी बारिश हुई है, हाँ बहुत बढ़िया नहीं है मगर फिर भी अच्छी हुई है। अच्छा, पिछले साल या उसके पहले की हम बात करें, पिछले साल इससे बढ़िया हुई थी, इससे बढ़िया हुई थी, और बढ़िया, और बढ़िया। उसके पहले कभी कम बारिश हुई हो तब क्या हाल हुआ? हाल तो क्या, बहुत बुरा हाल होता है। बरसात कम ही थी जो आवी थी। अच्छा, जब बारिश कम होती है ना, हाँ, तो ऐसा हो जाता है, वो मूंगफली पूरा नहीं होता। ये वाली मूंगफली मैं दिखाता हूँ, कम बारिश की मूंगफली, कम बारिश की पड़ता है। अच्छा, खारा पानी मजबूरी में डालना पड़ता है। खारा पानी पाक सूखता है तो खारा पानी डालना ही पड़ता है। खारा पानी डालते होते ये पाक का यही नमूना होता है, पाक ऐसा होता है। अगर ऐसी बारिश अच्छी बारिश हुई तो ये होता है। समझ गया मैं। दो मूंगफली दिखा देता हूँ। ये अच्छी बारिश वाली मूंगफली, ये खराब बारिश वाली मूंगफली, समुद्र के पानी वाली मूंगफली। आप खेती करते हैं, कितनी लागत आती है मूंगफली में? मोटा मोटा कितना पैसा लगता है जब आप बोनी करते हैं? बोनी करने के समय तो ज्यादा होता है, तब मूंगफली का भाव भी ज्यादा होता है। वो हर फसल के टाइम जब आप बोनी करते हो तो ज्यादा रेट रहता है। एकड़ भर में कितना खर्चा आ जाता होगा मोटा मोटा? 3500 के 4000 के आसपास आ जाता है। ठीक है, और जब फसल कटती है तब ये 3500 या 4000 के कितने पैसे रिटर्न होते हैं आपको? रिटर्न तो ये मूंगफली अगर अच्छी हुई ना तो ज्यादा होता है रिटर्न। अच्छी हो गई, मान लो बारिश अच्छी हो गई और फसल अच्छी हो गई, तो 3500 का कितना मिल जाता है? तो 30000 के आसपास तो मिल जाता है। 10 गुना। सुनिया आपने, गुजरात की जमीन, गुजरात पर मूंगफली और उसकी पैदावार यदि फसल ढंग से हो जाए तो 10 गुना तक रिटर्न यहाँ से, इन खेतों से, इन किसानों को मिल जाता है और इनके चेहरे पर इससे खुशी आ जाती है। लेकिन आम तो ये तो हमने तब की बात की कि जब सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाए। जब दिक्कत होती है, पानी कम रहता है, तो 3500 या 4000 का कितना पैसा रिटर्न होता है आमतौर पे? अगर बारिश नहीं होती है ना तो लगभग कुछ भी नहीं आता है, वो जाता है, वो जो भी बोया वो सब चला जाता है। ऐसा हमेशा होता है कि कभी कभी होता है? कभी कभी, अगर बारिश नहीं हुआ ना तो ऐसा होता है। तो ये मूंगफली का जो पेड़ है ना, वो पौधा, वो एकदम छोटा रहता है, वो हम क्या बोलते हैं, पशुओं का खाने का सारा भी उससे नहीं निकलता। इस साल की यदि बात करें तो 3500 जो एकड़ भर में लगता है उसका 10-12 हजार निकल आएगा, 15 हजार निकल आएगा? हाँ, उसका ये पूरा तो नहीं है, 10 गुना तो नहीं है, लेकिन 4-5 गुना तो निकल आएगा, 5 गुना जैसा निकल आएगा। उधारी किसी से नहीं लेनी पड़ेगी, साल भर खर्चा खुद का खुद चल जाएगा। ये तमाम बातें किसानों की बातें, गुजरात पे आए हैं, गुजरात मॉडल की बात होती है, गुजरात की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात होती है, लेकिन ये बात जरूरी यहाँ पर इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव है। दो बड़ी बातें जो इन लोगों से बात में निकल करके सामने आई है वो ये कि किसानों को मिलना चाहिए पानी की सुविधा। दूसरी एक और बात मैं कह दूं, फसल के पानी की तो मिलना ही चाहिए, पीने के पानी की भी सुविधा मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि पीने का पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। ये बता रहे थे कि शायद क्या साल भर का स्टोर करके करना पड़ता है, या तो बाहर से टैंकर लेके वो डालवाना पड़ता है, अपना स्टोर में डालेगा, वो पशु भी इसी में पिएगा और आदमी भी पानी उसी में से ही। आदमी, पशु, खेत, तीनों के लिए पानी नहीं है यहाँ पे? वो है लेकिन समुद्री पानी है, वो किसी काम है, काम का नहीं है। हाँ, नहा भी लो तो दोबारा नहाना पड़ता है। मांगरोल इलाका है ये, किसानों की बात है ये, न्यूज वर्ल्ड इंडिया अपने जरिए अभी की सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आप लोगों से अपील भी कर रहा हूं मैं, चुनाव आने वाले हैं, अभी आपके पास सारी पार्टियों के लोग आने वाले हैं वोट मांगने के लिए। आप अपनी ये बात, हम तो अपने चैनल के जरिए आपकी बात को नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जो भी नेता हैं उनको बताएं कि यहाँ पर यदि पानी की सुविधा मिल जाए तो आप इसी खेत से 10 गुना तक की आमदनी कमा सकते हैं। आमदनी कमा सकते हैं, बढ़िया हो जाता है और पानी की समस्या थोड़ी खत्म हो जाए। अगर ये पूरा जो केनाल का काम है वो भी सही हो जाए तो भी, और नई केनाल एक दो यहाँ पे डैम भी बनने वाले हैं, कोई सरकार बोल के जाता है नेता,
कि ये बना देंगे, अभी तक कुछ बना नहीं है। अभी वो 4 साल से बाकी है, वो भी अभी पड़ा ही है, 7-8 वर्ष थी गया, वो भी ऐसा ही पड़ा है। अभी कोई इस तरफ को आ रहा था तो बाजू में ही थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे एक नदी जैसी मुझे दिखी, यदि उसी से नहर खींच दी जाए तो पानी आ जाएगा। वो ही बाकी है, आधा जो 370% काम हो गया, सिर्फ 20-25% काम बाकी रह गया, वो 4 साल से कोई हिला नहीं रहा, वहीं का वहीं रुक के रखा है। 3 साल हो गया मोदी जी को यहाँ गए, क्या ऐसा तो नहीं कि मोदी जी दिल्ली गए और गुजरात का विकास रुक गया? विकास मोदी जी चले गए और विकास रुक गया, ऐसा ही है समझो। तो यहाँ पे विकास हो रहा था, जो मोदी जी था तब तो बहुत हो रहा था, अभी नहीं है तो विकास में भी कमी आ गई है, इतना नहीं है। आप भी यही मानते हैं क्या, विकास रुक गया? वो बदल नो बनो तो सारो तो गुजरात नो खाली मुख्यमंत्री हो तो सारो तो गुजरात में हूं तो जहां से काम हारूं गिरे। ये क्या कहे उन्होंने? ये बोल रहा है कि यहाँ था तब तो काम सही चल रहा था, अभी बाहर चला गया यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ये सभी दोनों यही बोल रहा है। सुना आपने किसानों की बातें, किसानों के साथ खेत के बीच खड़े होकर कर रहा है न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इन तमाम किसानों से बातचीत करने के बाद हमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि ये जमीन, ये फसल बेहतरीन जमीन है और बहुत ही शानदार फसल देने वाली मिट्टी है ये। यदि थोड़ी सी सुविधा सरकार की तरफ से दे दी जाए तो ये जमीन, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि मिट्टी सोना बन के उगलती है, जमीन सोना उगलती है, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ढेर, ये मूंगफली के ढेर हैं। पानी यदि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो ये खेत जो है ये अच्छी खासी तादाद में मूंगफली की पैदावार कर सकते हैं। ये वो मूंगफली का दाना है जो इस छोटे से शहर मांगरोल से निकलकर अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहां तो जाता ही है, इसके अलावा देश के बाहर भी जाता है। यदि किसानों की समस्या का निराकरण सरकार कर दे तो जाहिर तौर पर यहां के किसानों के दिन भी फिर जाएंगे। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव है तब यहां के किसान अपनी बात नेताओं तक रखेंगे और शायद ये भी संभव है कि नेता इस तरफ कोई ध्यान भी दें। हालांकि नेताओं तक इस तरह की बातों को पहुंचाने का सिलसिला न्यूज वर्ल्ड इंडिया लगातार जारी रखेगा। गुजरात से कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मांगरोल।